मेरे प्यारे दोस्तों, आज एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जिसमें 6 क्वेश्चन 6 ट्रिक है, जो भी स्टूडेंट कॉम्पिटेटिव का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जितना भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था उसका ही मैं ट्रिक बता रहा हूँ, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो आइए देखते हैं, तो आइए चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का अपना क्यूसा चैनल बिशु एकेडमी में। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और इसमें कौन सा ट्रिक यूज होगा। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसमें देखेंगे कौन सा ट्रिक यूज होगा। देखिए बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, डर के कारण छोड़ देते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। देखिए इसमें टाइम नहीं लगेगा, अगर ये वीडियो देख लीजिएगा तो मात्र 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकाल लीजिएगा। तो आइए देखते हैं। देखिए करना कुछ नहीं है, 1 से लेकर 10 तक का योग निकाल लेना है, 1 से लेकर 10 तक का सम निकाल लेना है। देखिए इसका भी ट्रिक मैं बताया था, 1 से लेकर 10 तक का सम कैसे निकालते हैं, ठीक है? अगर नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल पे जाइएगा और देख लीजिएगा। तो आइए देखिए कैसे निकालते हैं, क्या 1 से लेकर 10 तक का सम कैसे निकालते हैं। जो लास्ट में नंबर है 10, इसको क्या करते हैं, 2 से भाग दे देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या 10 में 2 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, तो 5 लिख दिए, ठीक है? अब क्या करेंगे, जो 5 आया है इसके बगल में वही नंबर एक बार और लिख देंगे तो क्या 55, ठीक है? जिसके आंसर क्या आ गया, 55, ठीक है? इसका भी 55 आ गया मात्र 2 सेकंड में। अब टाइम नहीं लगेगा, तो चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि मैं समझूं कि आप लोगों समझ में आ गया है ये ट्रिक। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 6 प्लस उसके रूट अंडर क्या 9 है। इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत पूछता है कॉम्पिटेटिव में, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए क्या करेंगे, रूट अंडर ये दोनों को ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है? 1 प्लस रूट अंडर 6 सबसे लास्ट वाला को पहले तोड़ेंगे, तो रूट अंडर 9 का क्या होता है, 3 होता है, तो 3 लिख देंगे, ठीक है? रूट अंडर 9 का क्या होता है, 3 होता है, तो 3 लिख देंगे, ठीक है? यहां तक समझ में? अब देखिए क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, रूट अंडर इसको ऐसे लिखेंगे 1 प्लस रूट अंडर क्या 6 प्लस 3 क्या 9 आएगा, ठीक है? यहाँ पे समझ में, 9 लिख देंगे रूट अंडर। अब फिर क्या आ गया, यहाँ पे रूट अंडर 9 आ गया, तो फिर रूट अंडर 9 का क्या होता है, 3 होता है, तो क्या होगा, रूट अंडर 1 प्लस इसका क्या होगा, 3 होगा, तो क्या होगा, रूट अंडर दोनों को जोड़ेंगे तो 4 होगा। अब रूट अंडर 4 का क्या होता है, 2 होता है, इसका आंसर आ गया, ठीक है? मैं समझाया इसलिए इतना टाइम लगा, आप लोग मात्र इसको 3 सेकंड में निकाल लीजिएगा। उम्मीद करता हूं ये ट्रिक समझ में आ गया होगा, ठीक है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है? देखिए क्या करना है, पहले लास्ट वाला करना है, तो 4 का क्या होता है, 2 होता है, ठीक है? फिर 2 7 में जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 होगा, फिर 9 का क्या होता है, 3 होता है, 3 जोड़ेंगे 6 में तो क्या होता है, 9 होता है, फिर इसका क्या होगा, इसका 3 आंसर होगा। समझ में आ गया? अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, अब चलते हैं अगला ट्रिक पे। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रूट अंडर उसके रूट अंडर एक्स दिया हुआ है बराबर 5, तो क्या एक्स का मान निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, बहुत इजी है, एक्स बराबर क्या 5 लिख देंगे, ठीक है? एक्स बराबर क्या 5 लिख देंगे, ठीक है? अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे करना कुछ नहीं है, जो एक जब रूट को हटाएंगे तो यहाँ 1 स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है? 1 स्क्वायर लिख देंगे, और फिर जब दूसरा रूट हटाएंगे तो इसका स्क्वायर लिख देंगे, क्या? फिर उसका स्क्वायर लिख देंगे, जब तीसरा रूट हटाएंगे फिर उसका स्क्वायर लिख देंगे। यहां तक समझ में आया, क्या किया, जब एक रूट हटाए, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर लिखे, फिर जब दूसरा रूट हटाए तो दोनों का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर का स्क्वायर लिखे, फिर जब तीसरा रूट हटाए तो 5 के स्क्वायर उसका स्क्वायर फिर उसका स्क्वायर लगा दिए, ठीक है? अब यहां तक क्लियर है? अब देखिए क्या करेंगे, तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, एक्स बराबर 2 2 4 4 2 8 मतलब 5 के पावर 8 हो जाएगा, इसका आंसर आ गया मात्र 3 सेकंड में। समझ में आया? एक और क्वेश्चन लेकर समझा देता हूं ताकि अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है? अगर मान लीजिए यहीं पे x बराबर यहाँ पे 2 दिया हो तब क्या करेंगे, तो देखिए करना कुछ नहीं है, यहाँ 5 की जगह पे 2 लिख देंगे, क्या 5 की जगह पे 2 लिख देंगे,
अब जितना बार रूट है कटेगा उतना बार पावर चढ़ते जाएगा, ठीक है। जब पावर यहां चढ़ेगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 के पावर 8 हो जाएगा, समझ में आया। चलिए अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन पे, आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन में क्या है। a प्लस 1/a बराबर 5 दिया हो, ठीक है। क्या दिया है, a प्लस 1/a बराबर 5, निकालना क्या है, ए क्यू प्लस 1/aq बराबर क्या होगा। यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, ये आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसके लिए बहुत बढ़िया ट्रिक है, देखिए क्या करेंगे। करना कुछ नहीं, यहाँ पे जो 5 दिया हुआ है इसका स्क्वायर निकालेंगे। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, ठीक है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। निकालना है क्या है, क्यू है, ए क्यू। तो क्या करेंगे, 25 में से क्यू मतलब क्या होता है, 3 होता है, 25 में से 3 सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, 3 को घटा देंगे तो क्या आएगा, 22 आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 22 में, अब क्या करेंगे, 22 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, जब 22 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 110 होगा, क्या होगा, 110 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, बहुत कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या दिया क्वेश्चन में, 300 का 25% का 20% क्या होगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 300 का 25%, ठीक है, 300 का 25% का 20% क्या होगा। यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है तो आइए देखते हैं, देखिए क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है, 300 का 25% मतलब 25/100, ठीक है, का 20%। इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, 20% मतलब 20/100, समझ में आया। क्या पूछा था, 300 का 25%, तो पहले 300 का 25% क्या होगा, 300 × 25/100, अब उसका 20% निकालना है, तो यहां मैं डायरेक्ट क्या किया हूं, गुना इसका 20% निकाला हूं, मतलब क्या होगा, 20/100। अब देखिए ये कटेगा 20 से 100 कितने बार में, 5 बार में, ठीक है। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 5 25 कितने बार में कटेगा, 5 बार में, मतलब 5 × 3 = 15, मतलब 15 आया इसका आंसर, क्या 15, मतलब 300 का 25% का 20% कितना है, 15 है। आज वीडियो के यहीं रोकता हूं, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। अगर क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर ट्रिक समझ में आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।